सलार मूवी की शुरुआत होती है एक माइन के अंदर से। माइन के अंदर कई मजदूर छुपे हुए थे और बाहर कुछ लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, क्योंकि यही मजदूर लोग जानते थे कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है। उन गुंडों में से एक आदमी इन लोगों को ढूंढ लेता है और सभी लोगों को इकट्ठा करके वहां पर ले आता है। तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे प्रभास की, जो फिल्म में सलार का रोल निभा रहे हैं। सलार अपने सैनिकों के साथ उन लोगों पर हमला कर देता है और सभी को मार देता है और उन सभी मजदूरों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। सलार कहता है कि डरो मत, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, तुम मेरे साथ रहना और मेरे लिए काम करना। इसके बाद सलार इन सभी को उसी माइन की खुदाई में लगा देता है जो तबाह हो चुकी है। कुछ ही दिनों पहले इस माइन को एक आर्मी ने तबाह कर दिया था और इसी माइन में दोबारा से काम शुरू करवाने के लिए सलार इस माइन को दोबारा से ठीक करवा रहा है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द इस माइन में दोबारा से काम शुरू कर दिया जाए। इस बात का अभी तक सरकार को नहीं पता है कि कोई इन सभी माइनों को दोबारा से शुरू करना चाहता है। इस माइन को और भी कई लोग ढूंढना चाहते हैं और उन्हीं लोगों में से एक है पृथ्वीराज सुकुमारन, जो फिल्म में वरदराज मन्नार का रोल निभा रहे हैं। वरदराज मन्नार दुनिया का सबसे ताकतवर और पैसे वाला आदमी बनना चाहता है। वो जानता है कि इन माइनों में ढेरों सोना दबा हुआ है, इसीलिए वो भी चाहता है कि वो इस माइन पर कब्जा कर ले। लेकिन जब तक सलार जिंदा है उसका ये सपना पूरा नहीं होने वाला। इससे पहले भी सलार उसके कई आदमियों को मार चुका है, पर अभी तक सलार और वरदराज मन्नार का सामना नहीं हुआ है, पर अब बहुत जल्द इन दोनों का सामना होने वाला है। वरदराज मन्नार अपना एक मैसेज सलार तक पहुंचाने के लिए अपने एक आदमी को चुनता है। वो आदमी वरदराज मन्नार का मैसेज लेकर सलार के पास जाता है और सलार से कहता है कि हमारी सरकार एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। पर सलार कहता है कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। पर बाद में सलार वरदराज मन्नार से मिलने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन ये दोनों एक जगह पर मीटिंग करते हैं। उस जगह पर सलार अकेला जाता है और वरदराज मन्नार अपनी पूरी गैंग के साथ आता है। सलार समझ जाता है कि ये उस पर हमला करने आए हैं। इस मीटिंग में वरदराज मन्नार को एक ऑफर देता है कि माइन के बिजनेस को 50-50 कर लेते हैं, पर सलार मना कर देता है क्योंकि ये बिजनेस उसका नहीं था, वो तो सिर्फ इस खेल में एक मोहरा है। ये बिजनेस तो कोई सऊदी अरब में बैठा हुआ सलार का बॉस चला रहा था। यहाँ पर हमें अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि सलार का ये बॉस कौन है, पर ये पता चल चुका है कि सलार तो सिर्फ एक मोहरा है। इतने बड़े माइन को कोई बड़ा खिलाड़ी ही चला रहा है। सलार वरदराज मन्नार के इस ऑफर को मना कर देता है। वरदराज मन्नार सलार से पूछता है कि तुम्हारा वो बॉस कौन है जिसकी ये सब माइन है। पर सलार बताता है कि आज से कुछ सालों पहले उसके खौफ से पूरा इंडिया डरता था। सभी लोग सोचते थे कि वो मर गया है, पर एक राज की बात ये है कि वो आज भी जिंदा है। और मैं ये राज की बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी बहुत जल्द मरने वाले हो। ये सुनने के बाद वरदराज मन्नार सलार से कहता है कि तुम अकेले हो और मैं अपनी पूरी गैंग के साथ हूँ, मौत मेरी नहीं तुम्हारी आई है। इसके बाद सलार एक पहाड़ी की तरफ इशारा करता है और तभी सलार के सभी सैनिक वरदराज मन्नार की पूरी गैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक एक करके वरदराज के सभी साथियों को मार देते हैं। लेकिन सलार वरदराज मन्नार को जिंदा छोड़ देता है। सलार कहता है कि जाओ और हो सके तो दोबारा हम पर हमला करने की सोचना भी मत, नहीं तो कुत्ते की मौत मारेंगे। वरदराज की बेइज्जती होने के बाद वरदराज अपनी जान बचाकर भी सलार से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वरदराज अपने भाई से मदद मांगने के लिए जाता है। वरदराज और उसके भाई की कभी नहीं बनती थी, लेकिन सलार से बदला लेने के लिए ये उसके पास जाता है। वरदराज मन्नार के बड़े भाई का नाम होता है राजा मन्नार और इसका रोल फिल्म में जगपति बाबू निभा रहे हैं। राजा मन्नार काफी खतरनाक आदमी है। राजा मन्नार अपने भाई की ये बातें सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। लेकिन वरदराज मन्नार कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे मार दो, क्योंकि इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकता। और इतना कहकर वरदराज मन्नार अपने आप को गोली मार लेता है। ये देखकर राजा मन्नार पिघल जाता है और अपने भाई का बदला लेने की खुद ठान लेता है। राजा मन्नार सलार के बारे में सभी जानकारी निकालता है। राजा मन्नार को पता था कि सलार काफी ताकतवर आदमी है, उसे मार पाना मुश्किल है,
क्योंकि उसकी सेना काफी बड़ी और खतरनाक है और उसके पास खतरनाक हथियार भी हैं। इसीलिए उसे मारने के लिए एक काफी अच्छे प्लान की जरूरत होगी। अब हमें सलार को दिखाया जाता है। सलार अपने एक चाचा को बता रहा होता है कि इस पूरी माइन का मालिक मैं नहीं हूँ, बल्कि सऊदी अरब में बैठा हुआ हम सबका मालिक है। मेरे मालिक ने ही मेरी जान बचाई थी और मुझे सभी से छुपाकर इस माइन को संभालने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, और तभी से मैं इस माइन को दोबारा से शुरू करने में लगा हुआ हूँ। माइन के अच्छी तरह से शुरू हो जाने के बाद मालिक यहाँ पर आएंगे और दोबारा से इस माइन को संभालेंगे। अब सलार एक मीटिंग के लिए शहर में जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक आध्या नाम की लड़की से होती है, जिसका रोल फिल्म में श्रुति हसन निभा रही हैं। सलार को पहली नज़र में ही आध्या से प्यार हो जाता है। वो लड़की और कोई नहीं, राजा मन्नार की बेटी ही होती है, पर सलार को ये बात नहीं पता थी। सलार जाकर सीधा उस लड़की को प्रपोज कर देता है, पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, इस शहर के सबसे बड़े आदमी की बेटी हूँ। सलार कहता है कि एक बार अपने पिता से मेरे बारे में पूछ कर देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आध्या ये बात जाकर अपने पिता राजा मन्नार को बताती है। राजा मन्नार कहता है कि पहले उसने मेरे भाई की जान ले ली और अब वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद आध्या सलार के बारे में जानने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। आध्या ये तो जानती थी कि कोई साधारण आदमी उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, पर उसे नहीं पता था कि सलार कितना बड़ा आदमी है। सलार के बारे में जानने के लिए वो उससे झूठा प्यार करने लगती है। सलार भी उसे अपने साथ अपने ठिकाने पर ले जाता है। सलार के बारे में जानने के बाद धीरे धीरे करके आध्या को उससे प्यार होने लगता है। और दूसरी तरफ आध्या का पिता सलार को मारने का प्लान बना रहा था। आध्या के बारे में पता चलने के बाद राजा मन्नार का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ता है और अब वो जल्द से जल्द सलार को मारना चाहता था। अब सलार को उसके मालिक से ऑर्डर आता है कि जल्द से जल्द माइन का काम पूरा किया जाए और जल्द से जल्द सोने को निकालने का काम शुरू किया जाए। दूसरी तरफ से राजा मन्नार सरकार के साथ मिलकर दोबारा से उस माइन को तबाह करना चाहता था। उसके इस काम में सरकार भी उसका पूरा साथ दे रही थी। राजा मन्नार अपने आदमियों से सलार के ऊपर कई हमले करवाता है, लेकिन सलार की सेना ही उन्हें खत्म कर देती है। राजा मन्नार प्लान बनाता है कि कैसे ना कैसे सलार को उस माइन से बाहर निकालना होगा, तभी उसे मारा जा सकता है। राजा मन्नार अपनी बेटी को फोन करता है कि वो इस शादी के लिए राजी है, इसीलिए वो सलार और आध्या को अपने घर बुलाता है। आध्या तो जाने के लिए मान जाती है, पर सलार को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। सलार वहां पर जाने से पहले कई बड़ी तैयारियां करता है और अपने जाने से पहले शहर में अपने आदमियों को भेष बदल कर भेज देता है, जिसके बाद उसके आदमी शहर में घुल मिल जाते हैं। और अब शहर में सलार जाता है। वहां पर आध्या के पिता सलार को मारने का पूरा प्लान बना चुके थे। उन्होंने अपने लोगों को बंदूक देकर चारों तरफ तैनात कर दिया था, पर सलार ने उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया, क्योंकि सलार उनके घर में मिलने के बजाय कहीं बाहर मिलना चाहता था। ये शर्त राजा मन्नार मान लेता है और एक होटल को बुक कर लेता है और उस होटल में अपने आदमियों को भेष बदल कर उन्हें वेटर बना देता है। सलार होटल में आता है और वहीं पर राजा मन्नार भी मौजूद रहता है। दोनों एक दूसरे से खुशी खुशी मिलते हैं। आध्या कहती है कि आपके इस डिसीजन से मैं काफी खुश हूँ। मैं चाहती थी कि आप दोनों की दुश्मनी खत्म हो जाए और आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले। तभी राजा मन्नार कहता है कि दुश्मनी खत्म करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो दुश्मन से दोस्ती कर लो या दुश्मन को ही खत्म कर दो। इतना कहते ही राजा मन्नार के आदमी सलार के ऊपर बंदूक तान देते हैं। तभी राजा मन्नार कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा और मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया और अब तू मौत के मुंह में खड़ा है। इतना सुनते ही सलार हंसने लगता है और कहता है मौत के मुंह में मैं नहीं तू खड़ा है। और इतना कहते ही सभी लोग सलार से बंदूक हटाकर राजा मन्नार के ऊपर तान देते हैं। सलार कहता है कि तुम्हारे इन आदमियों को मैंने अपने सोने से खरीद लिया है, अब ये तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए काम करेंगे। इतना कहते ही सलार राजा मन्नार को मार देता है और उसकी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद सलार अपने घर में बैठा होता है, तभी उसे एक फोन आता है कि मालिक बहुत जल्द माइन पर आने वाले हैं और अपने सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए आने वाले हैं। क्या उनकी सेना तैयार है?
तब सलार कहता है कि मालिक अपनी सेना तैयार है और हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं, और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि सलार का वो मालिक कौन है।